जोर पड़ने वाला है या फिर जो बारिशें हो रही हैं वो ऐसे ही जारी रहेंगी, किसी तरीके का कोई अलर्ट रहेगा आगामी दिनों? देखिए, जो आगामी दिन है हमारे पास, तो कल हमारे पास थोड़ा जो है एक दो जगह पर हैवी रेनफॉल आने के चांसेस हैं, और जो कि मुख्यतः आप देखेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट या मंडी, चंबा या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया में एक दो जगह पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। उसके लिए हमने येलो कलर की चेतावनी जारी की हुई है। जो बाकी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पर मुख्यतः हमारे पास जो है ग्रीन कलर में वार्निंग है, कोई मतलब आप कह सकते हैं कोई वार्निंग नहीं है, और लाइट से मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल होने के चांसेस हैं। अगस्त में देखेंगे, फिलहाल हमारा ठीक चल रहा है। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में -3% के आसपास रेनफॉल है, जो कि नॉर्मल कैटेगरी में है, और अगर थोड़ी बहुत और बारिश होती है तो मतलब कह सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव साइड में भी जा सकता है। तो फिलहाल अगस्त के महीने के हिसाब से हमारे पास नॉर्मल मानसून चल रहा है। ओवरऑल देखिए, फिलहाल चूंकि हमारे पास जून और जुलाई में काफ़ी कम रेनफॉल हुई थी, तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में -23% चल रहा है। अगर +-19% के बीच में रहता है तो हम लोग उसको नॉर्मल मानसून कहते हैं, और फिलहाल जो है थोड़ा नॉर्मल से कम चल रहा है अगर हम पूरे सीजन की बात करते हैं। कब तक के मानसून की बारिश? देखिए, फिलहाल अभी तो मानसून की बारिशें बीच बीच में आती रहेंगी हमारे पास, चूँकि मानसून का जो सीज़न होता है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक होता है, तो ये हमारे पास जो मानसून की बारिश है वो 30 सितंबर तक रुक रुक के होता रहेगा।